की है क्लास 11th के लिए, ठीक। बात कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स की, डिफरेंशिएशन की हमने बात की, ठीक। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी फंक्शन को क्या करना, रिड्यूस करना। देखो फंक्शन को रिड्यूस करना होता है, ना कि फंक्शन की वैल्यू रिड्यूस करना, ठीक है। डिफरेंस समझिया, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? फंक्शन को रिड्यूस करना, ठीक। तो हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कुछ बेसिक चीजें आपको बताई थी कि कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं फिर एक बार आपको रिवाइंड करा दूं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और उसके जनरल फॉर्मूले क्या है। तो लेट्स सी, जनरल फॉर्म, अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं, कोई मेरे पास फंक्शन है दैट y = x की पावर n, अगर मैं इस फंक्शन को क्या करूं, डिफरेंशिएट करूं किसके टर्म्स में, x के टर्म में, ठीक है, x के टर्म में इसको क्या करूं, डिफरेंशिएट करूं, तो जो चेंज x में आएगा वही चेंज किस में भी आएगा, y में भी आएगा। तो इसको लिखने का तरीका है दैट इज dy / dx, ओके। और जनरल फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n - x की पावर n माइनस वन। तो व्हाट इज द वैल्यू हियर ऑफ n, दैट इज 4, तो 4 x की पावर 4 माइनस 1, दिस इज 4, दिस इज x, दिस इज द पावर 3। नाउ यू कैन इजीली सी हियर द पावर इज व्हाट, 4, नाउ इट बिकम 3। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव डन, वी जस्ट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब इसमें एक और चीज, मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, देखिए मेरे पास सपोज दो फंक्शन है, y = 2x + 3, ओके, और सेकंड है मेरे पास y = 2x + 3 की पावर 2। तो दोनों क्या है, मेरे पास अलग-अलग फंक्शन है और दोनों को डिफरेंशिएट करने के क्या है, अलग-अलग तरीके हैं। तो बेसिकली इसको देखें तो ये सिंपल सा है, ठीक है। तो इसको क्या करूंगा, dy/dx निकालूं, पावर नहीं है इसकी कोई भी, सिंपल सी पावर 1 है इसकी, क्या करूंगा पहले इसका फिर इसका करूंगा, ठीक। तो d ओवर dx ऑफ 2x प्लस d ओवर dx ऑफ 3, ठीक। 2 यहां पे कॉमन आ, दैट 2 क्या है बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, dx / dx प्लस जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई किसकी, इसका अगर डिफरेंशिएट किया मैंने किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ओके। Now here, ये जो टर्म है पूरा कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे टर्म्स को डिफरेंशिएट करने का, या सपोज यहां पे ये होता अंडर रूट 2x + 3 होता, तो ऐसे टर्म्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग मेथड करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, पूरे फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब ये बेसिकली किस फॉर्म में है, अभी x पावर n के फॉर्म में है, n के फॉर्म में है। तो बेसिकली इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो dy/dx क्या हो जाएगा, आपका क्या होता था, n x पावर n माइनस 1, तो यहां पे n की जगह क्या है, 2, और इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 2 * 2x + 3 * 2 की पावर माइनस 2 माइनस 1। फिर मैं क्या करूंगा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, फिर पहले तो मैंने पूरे फंक्शन क्या किया, फिर क्या करूंगा, जो इसके अंदर जो टर्म है, कौन सा टर्म है, 2x + 3, इसका मैं क्या करूंगा, अलग से क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। तो into d over dx of 2x + 3, ठीक। तो ये तो हो गया 2 into 2x + 3, और इसका पूरे का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2, तो बेसिकली कितना आएगा, 4 into 2x + 3, ठीक। तो ये क्या है, अलग अलग, जैसे अगर पावर में कोई भी चीज दिया तो पहले हम पूरे पावर का करेंगे, उसके बाद जो अंदर दिया उसका बेस, उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। या कभी ये चीज अगर हमें मान लो sin 2 थीटा sin 2x दिया हो, तो पहले हम बोले sin 2x से करेंगे, फिर इसका करेंगे 2x से करेंगे। तो इन बातों में आपने ध्यान रखने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। देखिए बेसिकली जो डिफरेंशिएशन है, इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। 12th में पूरी बुक, एक पूरी बुक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। यहां पे हमने क्या सीखना है, बस थोड़ा सा जनरल सीखना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
ये जस्ट क्या है, जर्नल है। ये चीजें क्या होंगी आपके फिजिक्स में यूज होने वाली है, इसलिए आप सभी को लोगों को ये क्या हो रही है, ये चीजें बताई जा रही है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिसको एक बार समझ नहीं आया, दो बार करें, तीन बार करें, चार बार करें, बिल्कुल समझ आएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि फंक्शन की वैल्यू को क्या करना, कम करना, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, लेकिन तीसरी बार जरूर आएगा, ठीक। अब क्यों बहुत थोड़ा सा टफ क्यों है, क्योंकि आपका जो लेवल हो अचानक से क्या हो गया, थोड़ा बढ़ गया है। तो आपको क्या है, थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूले कुछ वैसे ही है, वैसे ही आपने क्या करने पढ़ने। कुछ जो फोर या फाइव रूल हमने लेक्चर वन और लेक्चर टू में डिस्कस किए, थोड़ा मैं आपको बता दूं। फर्स्ट रूल क्या, पहला रूल क्या था, अगर सी इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा x के टर्म में वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। नंबर टू, अगर y इक्वल टू दे रखा है सी एक्स, जैसे 2x दे रखा है, 3x दे रखा है, 4x दे रखा है, c इज कॉन्स्टेंट, तो इसका dy / dx क्या हो जाएगा आपका, c आप कॉन्स्टेंट ले लेंगे और अंदर क्या हो जाएगा, dx / dx, ठीक। नंबर थर्ड, हम कहते हैं अगर y इक्वल टू दे रखा था u + v, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा, फिर दूसरे टर्म का करूंगा, तो क्या हो जाएगा, dy dx = du / dx + dv / ds। यहां पे माइनस भी हो तो यहां भी आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। फोर्थ, अगर हम बात की थी प्रोडक्ट की, अगर y को दे रखा है u into v, तो उसका डिफरेंशिएशन करते थे x के टर्म में, दैट इज फर्स्ट टर्म into डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म into डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ओके। एंड द नेक्स्ट फिफ्थ, तो डिवीजन के लिए था बेसिकली, अगर y को क्या दे रखा है u / v, तो इसको क्या लिखेंगे, dy / dx पहले सेकंड जो डिनोमिनेटर है into ऊपर न्यूमेरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमेरेटर / डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन / डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो आपको क्या दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है z क्यूब दे रखा है सबको, ठीक है, y इक्वल टू क्या दे रखा है, z क्यूब दे रखा है, मतलब यहाँ पे x कोई है ही चीज है ही नहीं, फिर भी मुझे इसको x के टर्म से अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करूंगा, देखिए dy / dx, अब x पावर n का क्या होता है 3, z 3 माइनस 1, ठीक है, इंटू क्या होगा dz ओवर dx होगा, या बेसिकली इसको क्या लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 3z स्क्वायर इनटू dz ओवर dx। देखिए ये ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन जो जो टर्म्स किसके टर्म में होगा वो हमें ध्यान रखना है कि हम dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dy के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dz के रिस्पेक्ट में होंगे, और जो टर्म उसके फॉर्म में दिया होगा उसी का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। बाकी अगर ऐसे कुछ दिया होगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो आज हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, लेट्स सी नाउ, एक चेन रूल आता है इसमें, चेन रूल u कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से क्या बन जाएगा, dy / dx बन जाएगा। तो ये है चेन रूल। एक और फॉर्मूला है, दैट इज 7 रूल, एक होता है log, log होता है logarithm, तो क्या होता है अभी हम नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में बात कर लेंगे। तो जनरली अगर कोई आपके पास दे रखा है ऐसे log x, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होगा, दैट dy / dx = 1/x, ठीक। नाउ अगर हम आगे बढ़े तो हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्री में भी हम क्या लेंगे, बेसिक देखिए होने को तो cos, sin, cos, tan, cot, cosec, sec सभी आपका इंक्लूड है इसमें, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या, सिर्फ sin और cos आपका यूज होगा। मैथमेटिक्स वाले आगे 11th 12th में जाके पूरा इसको स्टडी करेंगे, तो हम सिर्फ उनके लिए बात करें जो जो बाई वालों को समझ में भी आ जाए, मैथ्स वालों को समझ में भी आ जाए, तो हम सिर्फ लेंगे sin और cos, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन दे रखा है y की वैल्यू दे रखी है, अगर sin x, y की वैल्यू क्या दे रखी है, अगर sin x दे रखी है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy / dx = cos, ठीक है, cos एडिट कर ले मैं इसको बोल लूं, तो
अगर y क्या दे रखा है इक्वल टू sin x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या जाएगा, cos x हो जाएगा। और y अगर सपोज y इक्वल टू दे रखा है क्या, cos x, y इक्वल टू क्या दे रखा है, अगर cos x दे रखा है तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस sin x। देखिए ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है हमेशा cos x होता है, जबकि cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस sin x होता है। इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सपोज आई हैव, अब यहां पे भी मेरे पास क्या देखिए sin x दे रखा है और ये क्या दे रखा है, सपोज दैट y इज इक्वल्स टू sin x क्यूब दे रखा है, ठीक है। तो एक और दे देता हूँ आपके लिए कंफ्यूजन ना हो, साइन इक्वल्स टू साइन टू एक्स दे, तीन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैं बताया, दैट इज डीवाई बाई डीएक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक। लेकिन क्या इसका भी कॉस एक्स क्यूब ही होगा बस, या उससे आगे भी होगा, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, क्यूब है, यहाँ पे क्या है साइन टू एक्स, तो सिर्फ अगर साइन वालों के साथ सिर्फ अगर एक्स है तो क्या होगा, सीधे सीधे हो जाएगा, अदरवाइज अगर वो कुछ पावर में है और कुछ इस फॉर्म में है तो उसके लिए कैसे होगा, लेट्स सी। देखिए इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो dy / dx, सबसे पहले पूरे फंक्शन का करूंगा, पूरे फंक्शन का क्या हो जाएगा, दैट इज cos x क्यूब, ठीक है, पूरे का क्या हो गया cos x क्यूब। अब क्या बच गया मेरे पास, into d over dx of x, ठीक, तो क्या हो जाएगा cos x क्यूब into इसका क्या हो जाएगा 3x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 3x स्क्वायर इनटू cos x, ठीक। और ये अगर आपको इस फॉर्म में दे रखा हो तो y cos dy / dx क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा cos 2x इनटू d / dx ऑफ 2x, 2x क्या क्या होगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x। आपने बस थोड़ा इन चीजों इन टर्म्स का भी क्या रखना है, ख्याल रखना है, यहां पर x था तो सीधे सीधे हो गए, लेकिन यहां पे पावर में आ गया या विद कांस्टेंट आ गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से भी क्या करेंगे उसका डिफरेंशिएशन। सपोज अगर हमने क्या था, ये sin x ना हो गया, क्या हो गया sin x की पावर 3 हो गया, ठीक है, sin x की पावर 3, तो पहले मैं क्या करूंगा, पूरा x की पावर n का करूंगा, तो dy / dx क्या हो जाएगा 3 sin x की पावर 3 minus 1 into d over dx of what sin x, पहले पूरा करूंगा फिर जो अंदर है उसका करूंगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 sin x की पावर 2 into cos x। तो ये क्या अलग अलग तरीके है डिफरेंशिएट करने, तो लेट अस आई हैव अ एग्जांपल, डरने की जरूरत नहीं है, बस फॉर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। हमें क्या करना है, y cos हमें क्या देगा sin x / 1 + cos x दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पे हम दो तीन चीजों का रूल यूज करेंगे, सबसे पहले तो ये क्या दे रखा है u / v के फॉर्म का दे रखा है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें u / v वाला फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर v into d / dx ऑफ न्यूमरेटर, ठीक, प्लस व्हाट, प्लस न्यूमरेटर d / dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या रहा, 1 + cos x, तो 1 + cos x ही रहा। अब देखिए d / dx ऑफ sin x कितना होता है, वो कितना होता है cos x होता है, तो ये क्या हो गया cos x हो गया, प्लस sin x ही रहा, ठीक है। अब d / dx करूंगा 1 का, वो कितना हो जाएगा 0 into d / dx ऑफ cos x, और समझ रहे हो कि अगर मैं क्या करूं d over dx of 1 plus cos x का करूं तो क्या आएगा, d over dx of 1 plus d over dx of cos x, ये तो हो गया 0, और ये क्या हो जाएगा cos x का क्या होता है, minus sin x, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, minus sin x, ठीक, upon 1 plus cos x का होल। तो देखिए cos x को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो cos, अच्छा सॉरी, यहां पे बीच में क्या होता है, माइनस फॉर्मूला होता है, ये आपने ध्यान रखना है कि जो यहां पे वो बीच में फॉर्मूला होता है क्या होता है, माइनस का फॉर्मूला होता है, दैट v into du / d
dx minus u v du upon dx upon v का whole square होता है, minus होता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 1 plus, अब cos x को multiply कर दो तो क्या हो जाएगा, cos x plus cos square x into sine sin square, लेकिन minus into minus plus, तो into sin square x upon 1 plus cos x का whole square. Now you can easily see here that cos square x plus sin square x, ठीक है, क्या है, cos square x plus sin square x का जो formula होता है उसकी value क्या होती है, 1. तो ये पूरी की value क्या होगी, ये जो बचा हुआ है हमारे पास की value क्या होगी, 1 होगी. तो dy में dx क्या बन गया आपका, that is cos x plus 1 upon 1 plus cos x का whole square. देखिए 1 plus cos x upon 1 plus cos x का whole square, तो इससे power cancel हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा, dy by dx is equals to 1 upon 1 plus cos x, ठीक है. ये cos x plus 1 को हम 1 plus cos x भी लिख सकते हैं, घबराने की बात नहीं है, ठीक. So this is the general concept of differentiation. Once again I am telling you it is not that बहुत ज़्यादा hard नहीं है, ठीक है, बहुत easy है. आपको ध्यान से समझना है, एक बार समझ नहीं आता दो बार तीन बार आप करेंगे तो आपको जरूरी आ जाएगा. Basically it is a part of physics not maths, तो बहुत ज़्यादा use नहीं होगा, लेकिन use होगा, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत use आपका physics में ये होगा, और जो कि बहुत ज़्यादा important है, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है. अब बहुत से सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं, कहीं बुक में दिया नहीं है, तो ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब भी आगे टर्म्स यूज होंगे तो हम सीधे आपको बताएंगे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ठीक है. तो फिर वहां पे क्वेश्चन अराइज नहीं होता है कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, तो इसलिए मैथमेटिकल टूल को हम बता रहे हैं. मैथमेटिकल टूल्स का मतलब द टूल्स वी दैट वी विल बी गोना यूज इन द फ्यूचर व्हाइल वी आर डूइंग डीलिंग विद फिजिक्स, ओके. आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में